नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख को लेकर आप सभी को जानकारी दी है। इससे पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर ही मैंने आप सभी को बताया। यूपी टीईटी के नए कार्यक्रम को लेकर ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर तमाम उन परीक्षाओं के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली थी, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब ऐसे में वही चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं भर्ती बोर्डों के माध्यम से। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे माध्यम से दी गई तमाम जानकारियाँ A to Z 100% सटीक देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो यूपी टीईटी को लेकर हो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट या फिर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि सभी भर्तियों के बारे में परीक्षाओं की तारीखों का जो ऐलान है वो देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही UPSC के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में भी जानकारी मैंने आप सभी को कल ही आकर के दी थी और अब आप सभी को यहाँ पे जानकारी भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती हैं। और लाइक करके अवश्य जाया करें, जिससे कि आपको यहाँ पता चलेगा कि जो जानकारी आप सभी को पिछले दिनों दी गई है अब वो कितनी ऑथेंटिक होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन किसी भर्ती के बारे में बताने से पहले आप सभी को बता दें कि आज की तारीख में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 1 जून सुबह 11 बजे से आप सभी के सामने अनएम्प्लॉयड अगर बात के वॉन्ट UPPRT, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इस हैशटैग का आप सभी को इस्तेमाल करना है और उसके बाद से आप सभी को लगातार ट्वीट करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियोज़ को शेयर कर देना है, जिससे कि एक बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी यहाँ पर आकर के जुड़ें और जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में आज की तारीख में 1 जून से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एक बड़ा ट्विटर वार, जिसमें आप सभी के सहयोग की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है, जिससे कि सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उन तमाम भर्तियों के बारे में जिसको लेकर मैंने थंबनेल में आप सभी को जानकारियाँ दी हैं। जुलाई के बाद बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती भी संभव है। साथ ही अगर बात करें टीजीटी पीजीटी 3 तारीखों पर होगी परीक्षा, ऐसा भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप सभी को बनवा में सारी जानकारियाँ देता हूँ। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के लाखों प्रतियोगी के लिए खबर है कि यहाँ पर अगर बात करें पंचायती चुनाव की वजह से साथ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते जिन भर्तियों को टाला गया था उनकी तारीखों का जल्द ऐलान आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। वहीं प्राथमिक और साथ में बात करें अन्य भर्तियों के ऐलान भी जल्द देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी की जा रही है, अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि UPTET होने के बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन सरकार ना तो UPTET करवाई और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी कर रही है। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी देख पाए कि कोरोना संक्रमण के चलते जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया था उसके अंदर UPTET भी थी, तो ऐसे में सभी परीक्षाओं के आयोजन होते हैं तो UPTET के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है। अब ऐसे में अगर बात करें जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि UPTET कराने को लेकर मोहर लग चुकी है सरकार के माध्यम से, यहाँ पे UPTET के बारे में जो मोहर है वो लगा दी गई है। साथ में सचिव के माध्यम से बयान भी जारी किया गया, मैं आप सभी को दिखाऊंगा UPTET के लिए। साथ ही अगर बात करें एडेड माध्यमिक कॉलेज TGT PGT 2021 की लिखित परीक्षा तारीखों का निर्धारण होगा। परीक्षा संस्थाओं का दावा है कि इस ओर मंथन जारी है, जैसा कि मैंने आपको जानकारियाँ दी थी कि चयन बोर्ड के माध्यम से अगर हम बात करें नई परीक्षा की तारीखों के बारे में, जो कहने की मंथन है वो शुरू कर दिया गया है और जो एक्सपेक्टेड तारीख मैंने आप सभी को बताई थी वही आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। उसी क्रम में नीचे आपको देखने के लिए मिलता है कि पहले पंचायत चुनाव के चलते फिर कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया काफ़ी पीछे धकेल दी गई हैं। अप्रैल से जून तक करीब 1 दर्जन ऐसी भर्तियाँ हैं जिनको एक एक करके यहाँ पर स्थगित किया जा चुका है। इधर संक्रमण ढलान की ओर अगर बात की, यही क्रम जारी रहा तो जुलाई के बाद भर्तियों की रफ्तार आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। बजट जुलाई में UP बोर्ड साथ में CBSE और इंटर की जो परीक्षाएँ वो आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। कल सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि UP बोर्ड से पहले एडेड जूनियर हो सकती है और सेम जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रही है।
क्योंकि उन्हीं कॉलेजों के अंदर एडेड जूनियर या फिर अन्य परीक्षाओं को करवाया जाएगा। तो या तो इंटर की परीक्षा पहले होंगी या फिर आप सभी की, उसी क्रम में यहाँ पे लिखा है कि जहाँ इंटर की परीक्षा होनी है वहीं अगस्त और सितंबर अक्टूबर में लिखित परीक्षाएं कराकर रिजल्ट घोषित करने होंगे। जिन भर्तियों के अंतिम रिजल्ट घोषित हो चुका है उसके चयनितों को नियुक्ति भी जल्द देखने के लिए मिलेगी। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में इन भर्तियों को पूरा करवाना भी पड़ेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं परीक्षाओं की तारीखों के बारे में, साथ में UPTET एडेड जूनियर। जैसा कि मैंने आप सभी को कई बार जानकारी दी थी कि UPTET को लेकर सरकार के माध्यम से यहाँ पर जल्दी आप सभी को ऐलान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि PNB के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि इसको लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उसकी मंजूरी के बाद में आवेदन शुरू करवा दिए जाएंगे। एक्सपेक्टेड परीक्षा तारीख की अगर हम बात करें तो आपकी देखने के लिए मिल रही है सितंबर, लेकिन यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले TGT PGT के बारे में। परीक्षा अगस्त और सितंबर में संभावित है। TGT PGT की अगर बात करें 2021 के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है 20 मई तक आवेदन देखने के लिए मिले थे। 15,198 पदों पर आपकी जो लिखित परीक्षा है वो करवाई गई थी, जिसकी परीक्षा की तारीख अगस्त व सितंबर में होने की उम्मीद है। चयन बोर्ड की बैठक में तारीखों पर जो मुहर वो लगेगी। मैंने आपको पहले से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि अगस्त के अगले मतलब कि अंतिम सप्ताह के अंदर आप सभी की परीक्षा होने की संभावना ज़्यादा है। अगर कोरोना का संक्रमण आगे पीछे होता है तो सितंबर में आपकी जो परीक्षाएँ वो करवा ली जाएंगी। तो सबसे पहली खबर हो जाती है अगर हम बात करें TGT PGT के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें UPTET साथ में एडेड जूनियर या फिर DLED के प्रवेश को लेकर, उन तीनों परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि एडेड जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन पंचायती चुनाव की वजह से स्थगित कर दी गई है। UPTET का जो विज्ञापन है वो 11 तारीख को आना था, लेकिन पंचायत चुनाव के चलते उसको भी आगे बढ़ा दिया गया कोरोना संक्रमण के चलते। तो ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से बताया गया है कि जून में ही DLED साथ में समस्त प्रवेश परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रस्ताव हैं वो बनाकर शासन को भेजे जाएंगे, और उसके बाद में जैसे ही शासन के माध्यम से अनुमति मिलती है उसके बाद परीक्षाओं का जो ऐलान है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट आप सभी को यहाँ से क्लियर हो जाता है UPTET के बारे में। मैंने आपको बताया भी था कि PNB सचिव का कहना है कि जल्दी आप सभी के सामने एक नया प्रस्ताव देखने के लिए मिलेगा जो कि 15 जून तक जारी होने की संभावना UPTET के बारे में, साथ में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। दोनों का प्रस्ताव जैसे ही PNB सचिव के माध्यम से तैयार होगा उसको शासन को भेजा जाएगा, और जैसे ही शासन की मंजूरी मिलती है उसके 10 से 15 दिनों के अंदर आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है। साथ में जो UPTET का कार्यक्रम होगा वो भी आप सभी के सामने आ जाएगा। तो ऐसे में एक ही पेज के ऊपर आप सभी के सामने तमाम शिक्षक भर्तियों की जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में हो, एडेड जूनियर परीक्षा की तारीख के बारे में हो, जहां पर सचिव का कहना है कि प्रस्ताव बनाया जा रहा है और यही जानकारी मैंने आपको पहले से दे रखी है। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि सभी की परीक्षा तारीखें कब तक देखने के लिए मिल सकती हैं। तो TGT PGT की संभावना है कि अगस्त के बाद में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, लेकिन वहीं अगर बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, वो आप सभी की अगर बोर्ड परीक्षाओं से पहले होने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ आप सभी यहाँ जानते हैं UPTET के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जून के अंतिम सप्ताह के बाद कभी भी आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो सकते हैं, उसके बाद में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो ऐसे में तमाम भर्तियों के बारे में यहां से स्पष्टीकरण हो जाता है, अब जल्दी आप सभी को तारीखों का ऐलान भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जल्दी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जो प्रस्ताव है बनाकर भेजा जाएगा, और जैसी मंजूरी मिलती है उसके बाद में चाहे वो DLED प्रवेश की परीक्षा हो, UPTET एडेड जूनियर या फिर जो अलग अलग विभागों से आने वाली भर्तियां, उनके लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि कल मैंने आप सभी को जानकारी दी थी संशोधित परीक्षा कैलेंडर के बारे में, यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियाँ टल चुकी हैं इनमें PCS 2021 की यदि अगर बात करें अहम परीक्षा है। सचिव की बात करें जगदीश ने बताया कि आयोग का संशोधित परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है, हालात सामान्य होते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। मैंने कल ही आप सभी को जानकारी दी थी कि परीक्षा कैलेंडर को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये कभी भी जारी किया जा सकता है। अब ऐसे में कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उसके बारे में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। प्रवक्ता राज के डिग्री कॉलेज की परीक्षा आप सभी के सामने आ जाती है। अगर बात करें प्रधानाचार्य सहायक निदेशक की परीक्षा या फिर सम्मिलित राज्य कृषि साथ में अगर बात करते हैं PCS परीक्षा के बारे में, नीचे आप सभी को अभी जानकारियां देखने के लिए मिल जाएंगी प्रवक्ता के बारे में, और साथ ही अगर बात करें CHSL CGL जो कि SSC से निकलती हैं
इसके अलावा अगर बात करें एडेड जूनियर और साथ ही यूपी टीईटी, ये तमाम ऐसी परीक्षाएं जिनको लेकर छात्र परेशान हैं। लेकिन अब ऐसे में उम्मीद है कि जल्द आप सभी के सामने जो कार्यक्रम है वो घोषित किए जाएंगे, तो संभावित तारीखें यही हैं। बाकी इसके अलावा लगातार चैन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी या फिर यूपी टीईटी एडेड जूनियर को लेकर पीएनपी से मुलाकात करने का प्रयास जारी रहता है। लगातार आप सभी को जो अपडेट है वो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती तमाम भर्तियों के बारे में, लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी संभव है, लेकिन कब तक जारी होगा इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की संभावना है, अगर यूपी टीईटी सितंबर में करवा लिया जाता है तो अक्टूबर नवंबर के अंदर आप सभी के सामने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। बाकी इसके बारे में समय समय पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। फिलहाल तो आज की तारीख में होने वाले ट्विटर बारे में लगातार जुड़िए, कल भी एक काला दिन मनाया जाएगा, जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें UPSI को लेकर, यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया साथ ही 69,000 के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें 31/5/2021 आप सभी के सामने, मतलब कि कल की तारीख का नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया, जिसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि 1277 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है जारी हुआ था, टोटल 1329 पद है, जिसकी जानकारी मैंने कल देर रात को आकर दी थी कि आपके जो आवेदन है वो आज से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में उसकी तारीखों में बदलाव देखने के लिए मिला है। आवेदन तो आज से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको जो समय दिया गया था 30 दिनों का उसको बढ़ाकर फिलहाल 45 दिन कर दिया गया है। मतलब ASI की भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर 15/7/2021 तक आप सभी को मौका मिलेगा आवेदन करने का। तो ऐसे में जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं 15 जुलाई 2021 तक, ये फैसला लिया गया कोविड संक्रमण को लेकर। बाकी इसके बारे में मैंने पहले से डिटेल वीडियो कल भी दी थी और इससे पहले भी मैंने बना दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले तो थर्ड काउंसलिंग वाले इंतजार में हैं, दूसरी तरफ उत्तर कुंजी और MRC वाले छात्रों के माध्यम से भी धावा बोल दिया गया है। जब से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से कहा गया कि 5,844 सीटों का घोटाला हुआ है, 4-4, 5-5 लाख जो ट्वीट हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से SCERT जाकर शिक्षा मंत्री के घर के पास जाकर जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। अभ्यर्थी PPE किट पहनकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन मीटिंग करके आरक्षण की गड़बड़ी के बारे में चर्चा की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार जल्द जाँच करवा के चयन से बाहर हुए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देती है तो अभ्यर्थी पीपीई जो किट को पहनकर शिक्षा मंत्री आवास साथ में SCERT पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने ट्विटर सहित सभी ऑनलाइन माध्यम से आवाज़ उठाएंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 6,000 पदों का जो घोटाला हुआ है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले लगातार 3 बार जानकारियाँ भी दी हैं। तो ऐसे में यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अब MRC मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आप सभी को उठता हुआ दिखाई दे रहा है, कई राजनेताओं के माध्यम से, कई अगर हम बात करें समाज सेवियों के माध्यम से, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शासन का तो ये भी कहना है कि थर्ड काउंसलिंग की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन रोज़ एक नया पत्र जारी करके जानकारी दे दी जाती है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें ना तो शासन के माध्यम से कोई जानकारी मिली है और ना ही अधिकारी कुछ बोल रहे हैं कि कितना डाटा उनके पास पहुँचा है और कितना नहीं थर्ड काउंसलिंग के बारे में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ तो थर्ड काउंसलिंग सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।